अमेजिंग मौसम है चारों ओर, और मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ सामान लेने, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना बढ़िया मौसम होगा। आसमान देखिए, ये देखिए, इतना अच्छा मौसम होगा मुझे पता ही नहीं था। मैं थोड़ा धूप होगा तो चलते हैं बाहर। फिर बाहर आके देख रहा हूँ बादल है चारों ओर और इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने 2 पैकेट दूध ले लिया और दूध लेके अभी चला घर पे, जाके चाय बनाएंगे। सोचा था समोसा खाऊंगा लेकिन समोसा तो है नहीं, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर देना पड़ेगा। देखता हूँ, चांदनी से बात करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है। ये क्या पता है? ये है, ये वुडन पेपर है। वुडन पेपर एक बहुत पहले मंगवाया था, किसी काम से मंगवाया था, वो हुआ नहीं। तो फिलहाल ना मेरा बालकनी बहुत मेस हुआ पड़ा रहता है, तो मैंने आज थोड़ा सा बालकनी क्लीन किया जैसे कि मैंने दिखाया था। तो मेरे पास ये एक बहुत अच्छा सा बॉक्स है, बहुत मजबूत तो नहीं है लेकिन इतना है कि मैं इसको थोड़ा सा इस वुडन पेपर से कवर करके इसमें शूज बांध दूंगी जो एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तक शू रैक नहीं है। वो शू रैक खरीदेंगे, तब तक थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम और क्राफ्ट वाला काम करते हैं। तो हमेशा जो हो नहीं पाता है, तो जब तक मेरा पानी ठंडा हो रहा है नहाने वाला, तब तक मैं इसको लगाती हूँ। इसको लगाना भी एक झमेला। देखिए, ये मैंने वुडन पेपर से कवर कर दिया है, और ये वुडन पेपर ना डस्ट प्रूफ तो नहीं होती, डस्ट तो इस पे आएगी लेकिन आप एक सूखे कपड़े से झाड़ देंगे ना तो ये क्लीन हो जाएगी। और प्लस इस पे थोड़े बहुत पानी के छींटे भी पड़ेंगे ना, क्योंकि अंदर की तरफ रहेगा, इतना नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा सा पड़ते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिलहाल जब तक कोई शू रैक वगैरह नहीं खरीदते, इसमें हम क्या करेंगे, अपने एक्स्ट्रा शूज है बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ पेयर्स है, क्योंकि हमारे जो मेन पेयर्स है वो बनारस में रखे रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी है इसको इस पे रख देंगे और नीचे कुछ नहीं रखेंगे ताकि मैं उसको रोज साफ करता हूँ। अब बताइएगा इसका लुक बिल्कुल वुडन लग रहा है ना। ये मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे कवर कर दिया। संडे और ये उठ गए हैं दोपहर में सो के, तो वैसे हमारा चाय पीना हो गया है और हमारा लंच भी हो गया है। तो आज हमने प्लान किया कि आज का दिन थोड़ा सा काम वगैरह हल्का रखेंगे। वैसे मेरा डेली का कुछ कुछ काम इनके उठने से पहले हो गया है, और अभी हमने प्लान किया है कि एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, वो हम लोग देखेंगे और उसका नाम है पंचायत। उसका जो फर्स्ट सीजन था वो हम लोगों ने देखा था, वो बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दूसरों को पता नहीं, किसी किसी को बोरिंग लग सकता है लेकिन मुझे वो बहुत बोरिंग लग ही नहीं सकता, वो मुझे गारंटी। इसमें ना वो बॉलीवुड वाला जो है ना फालतू जैसा, हाँ, बहुत ही देसी गांव का छोटे छोटे एक्टर्स उनके बहुत प्यारा स्वीटली प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। मुझे तो फर्स्ट सीजन देख के मैं वेट करी थी कब आएगा सेकंड सीजन, कब आएगा, तो फाइनली आ गए। तो हमने कल शुरू किया था, एक एपिसोड देखा था, तो इंटरेस्ट बढ़ गया है लेकिन देखना हुआ नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे जितना हो पाएगा, पूरा देखेंगे सारा दिन बैठ बैठ के पूरा देखेंगे यहाँ पे, और यहीं पे खाना पीना सब कुछ यहीं पे। हाँ, लेकिन खाना पीना होगा कैसे, मुझे तो जाना पड़ेगा तभी तो खाना यहाँ होगा। नहीं, हम लोग ऐसे ही चिपकुट खा लेंगे जो भी, तो जो भी हो जैसा भी होगा देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है। आप भी देखिएगा, बहुत अच्छा है, हो सकता है कि उस तरह की बॉलीवुड टाइप का बहुत ये लाइट ये वो ड्रामा
सॉन्ग्स ये वगैरह नहीं है, लेकिन सिंपल सोवर सी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, आप जरूर देखिएगा। मूवी देखते देखते मैं आ गई हूँ एक टी ब्रेक के लिए। टी के साथ में थोड़ा सा ये ऐसे चाट भी बनाऊंगी। ये मटर जो मैंने दो दिन पहले उबाले थे, तो मैंने उसमें से एक कटोरी निकाल के थोड़ा सा फ्रीज कर लिया था, उसको फ्रोजन फॉर्म में रख लिया था कि कभी जरूरत, तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गर्म कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया पत्ता आपके पास हो तो जरूर डालिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं फटाफट एक ऐसी सिंपल सी, मेरे पास इमली भी नहीं है, नहीं तो इमली की मीठी चटनी बना के डालती मैं। तो मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है और तवा तवे पे कुछ बनाया नहीं है, ये बस मैंने जीरा रोस्ट किया था, ड्राई रोस्ट किया था, तो इस वजह से ये यहीं पे रखे हैं। तो मैं फटाफट इसको एक बना लेती हूँ, कुछ भी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा नींबू, कच्चा प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, हरा धनिया जो मेरे पास है नहीं, मैं नहीं डाल रही हूँ, आप जरूर डालिए। और नींबू की जगह अगर आप इमली की चटनी डालेंगे थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली तो और भी अमेजिंग लगेगी, तो वो भी नहीं है। और ये है थोड़ा सा मेरे पास जीरा पाउडर, तो फटाफट इसको एक बना लेते हैं टी टाइम के लिए स्नैक्स। और चाय चल रहा उबल रही है तो चाय मैं अभी मिलाऊंगी, तो फटाफट इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे चाय भी चल मेरी उबल रही है, चाय में मिला लेती हूँ दूध, तो चाय भी कंप्लीट हो जाएगी, फटाफट इसको अभी पहले बना लेती हूँ। चाट मेरा तैयार हो गया फिलहाल, ये आप अपने तरीके से और भी कई वैरायटीज में बहुत तरह तरह के बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऐसे ही इवनिंग स्नैक्स के तौर पे सिंपली बना लिया है। चाय मेरा लगभग हो गया है, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। गुड़ का पाउडर